What? आज मैंने बड़ी ही खूबसूरत जो है ना शेर के बच्चे, टाइगर के बच्चे, व्हाइट टाइगर के बच्चे आपको दिखाने और जल्दी लेके आओ, वो जा रहा है। फेस है इसका और इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। इसके हर तरह से बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना व्हाइट टाइगर, ये दुनिया में बहुत ही रेयर है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम नुमान हसन है। हमेशा की तरह मैं इस बार भी बहुत लेट आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। आपको बताया कि मैं नहीं बना सकता डेली व्लॉगिंग, मुझे यही सबकी शिकायत रहती है कि डेली व्लॉगिंग करें तो मैं नहीं बना सकता। अब कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। तो आज मैं फिर तकरीबन 1 से 2 महीने बाद आया हुआ हूँ फार्म पर और आज मैं एक बड़ी सी स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊँगा अपनी वीडियोज़ में ना। एक ना रान किधर घूम रहे हो आप, हैं किधर गए थे? तो जी ये जान हमेशा की तरह मेरी वीडियो आके ख़राब करता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं अपने व्लॉग में डाल लेता हूँ। ठीक है ना जान, मैं आपको कह रहा था कि अच्छी अच्छी बातें आपने उनको बतानी है, ठीक है? तो बताओ जरा उनको अच्छी बातें। क्या मैं आपको फिर वही बात, हर टाइम मजाक मजाक, अच्छी बात बताओ, चलो उनको सीरियस भी अच्छी बात बताओ। अच्छे काम किया करें, अच्छे काम किया करें, हाँ, और पढ़ा लिखा करें, पढ़ाई किया करें टाइम पे, एक्सरसाइज भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। और आपको आज इतनी हंसी क्यों आ रही है? वैसे ही आ रही है। सबसे पहले जो हम जो काम करने आए हैं ना, हमने अपने वीडियो देखने वालों को वो चीज़ें दिखानी है, लेकिन उससे पहले भी हमने अपने जो हमारे पास शेर हैं बड़े, उनका जो है ना हमने दीदार करवाना है, उनको इंटरव्यू नहीं, उनको शो करवाना है कि वो कैसे लग रहे हैं और उनकी कैसी सेहत हो गई है। तो चले उनके पास से। तो अब हम सबसे पहले मुफासा के पास चलेंगे। अच्छा जी, मुफासा। तो मुफासा से प्यार है आपको? हाँ। तो मुफासा डेंजरस बहुत है, आपसे 5 गुना बड़ा है वो, पता है आपको? आप अगर उसके साथ अभी देखना जाके खड़े हो गए ना, और आप के आपके साइज के हिसाब से 5 गुना बड़ा है वो। जरा जाओ, जरा दिखाओ, जरा वो देखें जी। ये देखें जी, ये अजान को मुफासा से प्यार बोलता है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं कितने गुना बड़ा है मुफासा अजान से। ये देखें, अजान जो है ना डरता नहीं है, खेलता है, मस्ती करता है, लेकिन मैं इसको हमेशा समझाता हूँ कि इनको इजी ना लिया करें, दूर आ करें, इतना जो है ना ये इजी लेने वाले जानवर नहीं है। चलो मुफासा आ जा। नहीं नहीं, आपने नहीं करना पागल मुफासा। ये मुफासा था, अभी अजान उसको तंग बहुत कर रहा है, तो ये दूसरे अपने इंडोर केज में चला गया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि आपकी मुफासा से मुलाकात करवाता हूँ, तो उसके बाद एक और चीज़ आ गई, उससे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वैसे तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में की हुई है, लेकिन आज ज़रा फ्रेश व्लॉग है, तो इसलिए ज़रा फ्रेश मुलाकात आपकी ज़रूरी है। आ जाइए जी आगे फिर। वही ये देखें जी, जान नहीं इतना तंग नहीं करते। इधर आ जाओ सजू, पीछे आ जाओ सजू, क्योंकि ये जी फीमेल है, मुफासा के साथ फीमेल है। ये जो है ना अग्रेसिव इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये ब्रीड करने वाली है, तो इसलिए मैं ज़्यादा करीब नहीं इसके जा रहा। अजान आप भी पीछे आ जाओ थोड़ा, क्योंकि ये गुस्सा कर रही है, ये कुछ दिनों में ब्रीड करने वाली है, वो जब इसकी ब्रीड आएगी उसका भी मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं ज़रा इसे अवॉइड कर रहा हूँ करीब जाने से, क्योंकि ये मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। तो इससे इससे हाँ आगे आयरा के पास जाएंगे, ये तो मुझे डर है पिंजरा जो है ना फाड़ के बाहर ना आ जाए। ये जी इससे मिले, ये है आयरा, ये है आयरा। और एक और बात मुझे याद आ गई, अजान जो है ना
सब जो है ना वीडियोस में मेरे से पूछते हैं ये भांजा है, ये कौन है, ये मेरा बेटा है या क्या है, ये मेरी सिस्टर का बेटा है, ये मेरा भांजा है। बार बार मैं क्लियर करता हूँ सबको, लेकिन फिर भी सब पूछते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं हर व्लॉग में इसका इंट्रो दूँ अजान का। तो अजान जाओ जरा मिलो, आपकी तो बड़ी दोस्ती थी ना बचपन में आयरा के साथ, तो अब जरा उसको मिलो जाके, अब आपको बताती है। चलो जरा प्यार करो ना अजान। देखा फिर है क्या हुआ, पास क्यों नहीं जा रहे उसके? अभी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। जाओ जरा इसको प्यार करो, प्यार करो जरा। ओए देखा, आपकी तो बड़ी दोस्ती थी, आप कहते थे आयरा से तो मेरी बड़ी दोस्ती है और मैं आयरा को बड़ा भी कर लूंगा, उसके साथ मैं खेला भी करूंगा बड़े होके। हैं तो नहीं कहता था। चलो अब जाओ जरा, करो प्यार। नहीं मुर्गियों को। ये जी आयरा, ये भी बड़ी एग्रेसिव फीमेल थी, ये भी मैंने पिछले व्लॉग में शायद आपको बताया था इसके बारे में भी आपको। तो अब ये देखें, ये माशाल्लाह से एक साल की हो गई हुई है और काफ़ी बड़ी हो गई है। जब ये डेढ़, हाँ ये एक साल की हो गई है, और ये जब डेढ़ साल की हो जाएगी तो इसको भी मुफासा के साथ हम करेंगे ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो फाइनली पहले आयरा इससे बड़ी थी, अब रोकी इससे बड़ा है। यस, तो मेरा आज व्लॉग बनाने का मकसद था वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने बड़ी ही खूबसूरत जो है ना शेर के बच्चे, टाइगर के बच्चे, वाइट टाइगर के बच्चे आपको दिखाने हैं। तो मोटे मोटे से बच्चे हैं, अजान जैसे मोटे मोटे से बच्चे हैं। तो वैसे तो और आपके जैसे, मैं भी वैसे मोटा ही हूँ। तो वैसे तो ये मौका बहुत कम आता है कि एक साथ डिफरेंट ब्रीड्स के कप्स आए हों, तो आज जो है ना ये मौका मेरे पास मौजूद है। मेरे पास ब्राउन लाइन के भी बच्चे हैं, टाइगर का भी छोटा कब है और वाइट टाइगर का भी कब है। तो ये आज मैं बड़ा लकी हूँ कि आज मेरे पास सारे इकट्ठे मौजूद हैं। तो मैं वो आपको दोस्तों, सही कहा आपने। तो जी अब ये मेरे पास डब्बे में बड़े ही प्यारे टाइगर और लाइन कब मौजूद है। राम कौन सा निकालना पसंद करोगे पहले? बस वाइट टाइगर, क्यों सारे भाग जाते हैं? वो भाग जाते हैं लेकिन आपको फिर आपने पकड़ने, आपने भी पकड़ने हैं ना। चलो सबसे पहले निकालो वाइट टाइगर, यहाँ रुको, सबसे पहले निकालो लाइन। वही तो तंग करने, कोई बात नहीं, आपको तंग करने में मैं लेके आया हूँ। अब डरना नहीं है आपने। चलो निकालो जरा, निकालो, वीडियो भी आपकी बन रही है। चलो निकालो, निकले। वाह यार रान, आप तो बड़े एक्सपर्ट हो गए हो। हैं मेरी भी बेइज्जती करना। दूसरा भी निकालो ना, दूसरा भी निकालो। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, अभी नहीं वो भाग रहा है, वो भाग गया, भाग गया, पकड़ो पकड़ो। चलो रान अब आप जो है ना दूसरा भी निकालो। चलो वो तो थोड़ा आगे चला गया हुआ है, तो इसको भी निकालो। डरा ना करो, आपको मैंने ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है, अब आपको डर खत्म हो जाना चाहिए। चलो निकालो इसको, छोड़ो जरा, दिखाओ जरा सबको वीडियो में क्या। ओए ओए भाग रहा, पकड़ो 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 उसको, पकड़ो भाग जाएगा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। नहीं नहीं पकड़ो, जाने नहीं देना उसको, प्यार करो ना अब उसको। चलो ये जी ये देखें, ये कितना खूबसूरत ब्राउन लाइन कब है। आप इसकी हेल्थ देखिए सर, वो भाग रहा है, उसको पकड़ के लाओ, जल्दी से लाओ पकड़ के। और जल्दी लेके आओ, वो जा रहा है, जल्दी जल्दी चल सर उसको ले। तो मैं आपको बताने लगा था कि ये देखें ये कितना खूबसूरत ब्राउन लाइन, ब्राउन लाइन कब है। और मेरे ख्याल से तो अजान का जितना वेट है उसे हाफ वेट होगा उस कब का, तो अजान से तो ना पकड़ना समझ आता, लेकिन मैं तो पकड़ सकता हूँ। तो ये आपको मैं एक गाइड करता हूँ एक चीज़, ये आप इसकी हेल्थ देख रहे हैं, ये परफेक्ट हेल्थ है इनकी जो अजान ध्यान से पकड़ो। तो इसकी मैं आपको बता रहा था कि परफेक्ट हेल्थ है और इसने तकरीबन 1.5 मंथ जो है ना इसने मदर फीड की हुई है, तो ये सारा मदर फीड का कमाल है। और अगर इसने हैंड फीड की होती तो इसे थोड़ा कमज़ोर होना था और इतना एक्टिव भी नहीं था होना। आप इसका फेस देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से हेल्दी फेस है इसका, और इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, इसके हर तरह से बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और परफेक्ट ये लाइन कब है। उसी तरह वो भी वो फीमेल है, वो आंटी है,
ये फीमेल है तो ये भी बड़ी अच्छी हेल्थ में है। ये मैदान आपसे तो मेरे ख्याल से उठाया नहीं जा रहा, आपके हाफ वेट जितना ये लाइन का है, तो इसको नीचे छोड़ दो और ध्यान रखना भागे ना। ये देखें जी, फीमेल का कलर थोड़ा लाइट है, फीमेल भी बहुत एक्टिव है और ये प्रॉपर मदर फीड का कमाल है, क्योंकि मदर फीड जो होती है ना इनकी लाइन कब्ज की बेस बना देती होती है। रन जाओ उसको पकड़ो, चलो इनको ना रन बंद कर दो। ये लाइन का मैं काबू नहीं थे आ रहे, बार बार मुझे इसके पीछे भागना पड़ा था या मुझे अजान को भेजना पड़ा था, तो मैंने सोचा इनको बंद ही कर दूं, क्योंकि अब आपको मैंने टाइगर कब शो करवाने हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको जो है ना बंद ही कर दूं मैं। ये देखें जी, अब बंद हो चुके हुए हैं दोनों, ईजी हो गए बैठ के अंदर। तो जी, इनको तो हमने बंद कर दिया क्योंकि थका रहे थे, तो अब मैं आपको एक नया जो है ना कब शो करवाता हूँ, ब्राउन टाइगर। तो अजान अब निकालो से ब्राउन टाइगर, आप निकालो फिर ज़रा, उसमें डब्बे में है ब्राउन टाइगर, बल्कि दोनों के इकट्ठे निकालो, अब दोनों इकट्ठे ही मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये जो है ना वाइट टाइगर, ये दुनिया में बहुत ही रेयर है और पाकिस्तान में भी समझ लें कि ये कुछ इनकी तादाद है जो ये मौजूद हैं। उसके अलावा ज़्यादातर ब्राउन टाइगर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो लोगों ने घर पे रखे हैं या फार्म पे रखे हुए हैं, रजिस्टर्ड फार्म पे। तो ये वाइट टाइगर को मैंने टेम कर लिया है और उन लाइन कब के मुकाबले जो है ना ये दोनों टेम है, और वो वैसे वाइट टाइगर जो है ना बर्दाश्त नहीं करता इसको उठाओ, ये जो है ना ये थोड़ा कूल है, ये देखें ये ईजी है, वाइट को उठाओ तो ये थोड़ा नखरे करता है। अभी इसका फीड का टाइम है, तो ये देखें, ये आप एक चीज़ आपको मैं एक और बताऊं, अभी इसका फीड का टाइम है ना, तो इसकी कोशिश है कि कहीं से मुझे दूध मिल जाए पीने को। अब वो दूध तो उसको मिल नहीं रहा, ये आप उसके कान देख सकते हैं, ये उसके कान खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको फील हो रहा है कि ये निपल है, तो वो निपल चूसने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो इसके कान जो है ना काफ़ी ज़्यादा चूस रहा था, वो समझ रहा था फीडर है। तो ये देखें, अब ये इसके कानों का हाल क्या किया हुआ उसने, वाइट टाइगर ने ये गीले किए हुए हैं फुल, क्योंकि वो चूस रहा था इसको, इसको शक कर रहा था कि ताकि उसको लग रहा था कि शायद दूध आ जाएगा यहाँ से कहीं से, तो वो फुल भूखा है। लेकिन वो हर जो है ना जानवर की जो है ना डाइट कंट्रोल रखनी पड़ती है, यानी कि अगर वो भूखा है तो उसको दूध पिला दूँ मैं, तो इसलिए कंट्रोल डाइट देनी पड़ती है अपने टाइम के हिसाब से। तो अभी उसका टाइम नहीं हुआ, जब उसका टाइम होगा तो फिर मैं उसको डाइट दूंगा। तो इसको मैं ज़रा नीचे रख दूं, बल्कि इसका आपको बता भी दूं, आपने लाइन कब देखे थे, उन्होंने 1.5 मंथ जो है ना मदर फीड की थी, इसने 1 मंथ मदर फीड की है। तो ये जो है ना, ये उसके मुकाबले लाइन कब के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि मदर फीड से काफ़ी ज़्यादा सेहत अच्छी बनती है, तो इसकी इतनी उनके मुकाबले इतनी अच्छी सेहत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अब इसको मैं रखता हूँ, अब मैं आपको वाइट टाइगर ज़रा करीब करके दिखाता हूँ। कान वाइट टाइगर लेके आओ, ये आ गया जी वाइट टाइगर, मोस्ट रेयर ब्रीड इन द वर्ल्ड। ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत वाइट टाइगर है, पाकिस्तान में भी ये बहुत रेयर है, कुछ लोगों के पास ही है ये वाइट टाइगर। हेलो वाइट टाइगर, देखें जी कितना इनोसेंट लग रहा है, लेकिन ये बड़े होके जो है ना बहुत ही खतरनाक खूनखार जानवर बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे कितना मासूम सा, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये इतना अग्रेसिव जानवर है। ये देखें कितना क्यूट बेबी लग रहा है ये, अभी तो इसका नाम भी नहीं रखा, इसका नाम भी रखूँगा मैं तो। ये देखें माशाल्लाह, इसको जो है ना मेरे साथ प्यार भी बहुत है, मेरे साथ टेम बहुत अच्छा है, मेरे साथ इसको अटैचमेंट हो गई हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको ब्राउन लाइन का भी बताया था कि उन्होंने 1.5 मंथ मदर फीड की है, टाइगर ने 1 मंथ मदर फीड की है,
इसी तरह इसने जो है तकरीबन 15 to 20 डेज मदर फीड की हुई है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा इसकी हेल्थ उनके मुकाबले बहुत कम है। तो इसलिए फिर अब मैं इसको हैंड फीड करवा रहा हूँ, हैंड फीड पे हेल्थ जो है ना कम होती है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हेल्थ कम है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मदर फीड लाइन्स के लिए या किसी भी जानवर के लिए कितनी ज़रूरी है। और इसकी ख़ास बात यह है, एक तो सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वाइट है, दूसरा इसके करीब से देखें आप अगर इसमें ब्राउन, लाइट ब्राउन या ब्लैक कह सकते हैं, ब्लैक लाइनिंग है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो ये थे जी आज मैंने ब्राउन लाइन टाइगर और वाइट टाइगर के कब्स, तो ये मेरा आज आपको दिखाने का मकसद था। तो जो मुझे कमेंट्स में अच्छा सा कोई नाम रिकमेंड करेगा वो मैं अपने टाइगर्स का ज़रूर नाम रखूँगा। मेल का भी बताना है, वाइट टाइगर मेल है, ब्राउन टाइगर फीमेल है, और जो ब्राउन लाइंस हैं वो पेयर है। तो आपने मेल फीमेल का उस हिसाब से मुझे नाम बताना है, जो अच्छा नाम होगा वो मैं अपने टाइगर्स का ज़रूर रखूँगा। तो मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मुलाकात करूँगा।